अभी ये वासुदेव वगैरह आपने कभी देखा होगा, सुबह गाना गाते लोग आते हैं अपने इसमें, कुछ कुछ बता के जाते हैं आपके लिए, भविष्यवाणी बता के जाते हैं, वो सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ थिएटर। ट्राई करो ना सर, अपने आजू बाजू में जहां पे भी हम लोग देखे ऑब्जर्व करें तो वो ओनली नाटक ही है। नाटक का ये जो है स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट नेसेसरी द प्रेसिडेंट। ओके, स्टेज रहना कोई जरूरी बात नहीं, कहीं भी हम लोग नाटक कर ले सकते। ओके, ये आइडिया आप लोग पहले ध्यान रखो, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार कॉलेज में स्टेज नहीं है, अभी हम लोग नाटक कैसे करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, उसको कैसे लगाएंगे। नहीं, ये बात नहीं आता है समझ में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि शायद मैं अपना नाम बोल पाऊँ आपसे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को टच करके जाऊंगी, क्योंकि स्पेस अगर मैं सिखाने जाऊंगा आपको तो शायद मुझे 10-12 ये करने पड़ेंगे, ऐसे लेक्चर्स करने पड़ेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा अपनी स्पेस। ठीक है, तो फिलहाल स्पेस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोसेस नियम, अभी हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं पे भी नाटक करते हैं, तो हमारे लिए प्रोसेस नियम के नियम शायद नहीं होंगे। लेकिन अगर हम प्रोसेस नियम पे करते हैं, यानी कि स्टेज के ऊपर अगर हम एक्ट करते हैं, तो स्टेज के बहुत सारे अंग हैं, है ना, स्टेज पे अलग अलग स्पेसेस रहती है हमारे लिए। तो वो क्या रहती है आपके लिए, बोलिए। यू हैव टू बी इंटरैक्टिव ऑल द टाइम। स्टेज में आप क्या क्या देखते हो बोलो, फटाक से। कभी स्टेज नहीं देखा, क्या है कि तो बड़े बड़े स्टेजेस है यार, बोलो 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 बोलना है। आप
आपके साथ में अच्छे से दोस्ती बनाने के लिए आई हूँ। अगर ये सब इन्फॉर्मल क्लास है प्लीज डोंट गो फॉर्मल, ओके। तो जो भी आपके मन में आता है, जो भी आई विल रादर एक्सपेक्ट सम कमेंट्स फ्रॉम यू, बियॉन्ड कमेंट्स मेबी मेबी तुम्हारा अगर टीचर्स का समझ खराब होता है हो जाएगा, पर मारे समझ कहीं खराब तो नहीं गलत है, ओके ठीक है। यू हैव टू बी, तुम्ही मूर्ख पण असू शकता, तुम्ही खूप हुशार पण असू शकता आणि तुम्ही खूप नॉटी पण असू शकता, माझ्याबरोबर वातरट पण असू शकता। सो बी फ्री, व्हॉट आई मीन टू से बी फ्री। तो मैं क्या बोलूंगी आपको, एक्टर क्या होता है, हु इज एक्टर, नॉर्मल ह्यूमन बींग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही और शी इज अ वेरी वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग। ही और शी हैज डिफरेंट एक्सप्रेशन इन हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑलरेडी, उनके पास अपने अपने खुद के एक्सप्रेशन है। आपके पास है, आप हो सकते हो एक्टर, हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, क्योंकि एक मेरी बात ये है कि एक्टर बनना जब भी आसान बात नहीं है, लेकिन उतना भी ये नहीं है कि भैया हमको आता ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज वन। सेकेंडली, एक्टर ये ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग किसी किसी को एक्टर क्यों मानते हैं, ह्यूमन बीइंग है हमारे, क्यों मानते हैं हम लोग एक्टर्स, हां बिकॉज़ दे आर फेमस, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ दे आर एक्टिंग, दे आर फेमस, इट इज नॉट दैट दे आर फेमस एंड देन दैट्स व्हाई दे आर एक्टर्स। What is acting according to you? Expression. Yes, expression. I'll take this. Then. Attitude. Yes, I'll take this. Talent. Huh? Talent. Talent. Yes, I'll take this talent. Physical gesture. Physical gesture. Yes. Done. So can we just collage these four things? Physical gesture, expression, and attitude, and talent. So, acting is a talent. Okay? To express your attitude and through physical gestures. Now you know the four words. You can easily form a definition of acting. Can you? Can anybody tell me the definition now? You can write it down and tell me. There is no question on this by heart. It's only four words, isn't it? चार वर्ड है उसमें, क्या क्या वर्ड है, एक है टैलेंट, दूसरा है एक्सप्रेशन, तीसरा है एटीट्यूड और चौथा है फिजिकल जेस्चर्स। अभी आप लोगों ने बताया मुझे, मुझे कोई जरूरी है कि मैं ये करके बैठूं और फिर आपको इसे लिख के दूं डेफिनेशन, नॉट। अगर थोड़ा भी आप सोच विचार करते हैं उसके बारे में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टैलेंट थ्रू फिजिकल जेस्चर्स इन एन एटीट्यूड मेनी, हां इज दैट ओके, वेरी सिंपल। हां तो उसमें हम लोग एक्टिंग जो करते हैं उसमें एक बहुत इसमें जो ये है, अगर हम लोग नाटक का अगर सोच विचार करते हैं तो नाट्यशास्त्र करके भरत मुनि जी थे हमारे इसमें, तो उन्होंने नाट्यशास्त्र करके बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है, विच इज इन संस्कृत बेसिकली, बट उसके बहुत सारे विवरण हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर अभ्यास कर चुके हैं, बहुत सारे विविध लैंग्वेजेस में उसका मतिकार जो हम लोग बोलते हैं उसका अवेलेबल है। अगर हम लोग को अच्छे से थिएटर पढ़ना है तो आपको शायद वो भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ वो ग्रंथ है वो इम्पोर्टेंट हमको शायद ही बना देना। ये जो है चीजें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज मेक बिलीव कंसेप्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज मेक बिलीव, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय बिलीव, बिलीव फेथ, यस ट्रूनेस मेरी ऑफ द थिंग इजंट इट। सो मेक बिलीव इज जो भी स्टोरी है जिसमें जो भी कैरेक्टर है उसका हूबहू एक्टिंग करना इज कॉल्ड एज मेक बिलीव, उसको लगना ही चाहिए यार ये नगीना में कर रहा है तो ये नगीना ही दिख रहा है, है ना। यू हैव टू बिलीव दैट, टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्टोरी यू हैव टू बिलीव दैट पर्टिकुलर पर्सन इज प्लेइंग हिज और हर कैरेक्टर इन अ वे दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज हाउ इट इज, ओके। दिस इज व्हाट आई एम मेक बिलीव कंसेप्ट। नाटक के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले ऑडियंसेस का या तो अपने आगे बैठे वाले जो दर्शक है उनका आपके ऊपर इतना विश्वास तैयार हो जाए कि आपको लगेगा कि ये बस सच में घट रहा है मेरे साथ, ये सब घट रहा है मेरे साथ, बिल्कुल ऐसे ही घट रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होता अगर होता था। तो ये चीज अटेन करने में उसको हम लोग जो अचीव करने में वो जो स्टेज है अपना मेक बिलीव का, यू नीड एक्टिंग। एक्टिंग आल्सो इज अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट एंड
यहाँ में एक्टिंग में चार पांच छह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्या वो जस्ट इलेबोरेट एक्टिंग कर लेते हैं मैंने. What is important things? What are the important things which are to be there to be an actor? और what is acting? Acting में क्या-क्या चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा? Body language, yes. Expression, yes. Courage, yes. Okay. Again, really communicate to audience. Communication. Okay. I'll take. Voice. It is voice. हाँ. Like when you speak, language should be very clear. Okay. Language I'll take. मैंने अभी clear language, but language I'll take. हाँ. Next. Voice. Voice, yes.